हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज 21 नवंबर 2018 है और आज बुधवार के पेट्रोल डीजल सोने चांदी के ताजा भाव आपके लिए हाजिर है और साथ में मौसम समाचार भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोजाना ही पेट्रोल डीजल का ताजा भाव बताने से पहले कोई एक ऐसी खबर बताते हैं जो कि बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, शायद ये खबर सुनकर आपकी रूह कांप जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नवजात बच्चे के शव को नोच नोच कर खा रहा था कुत्ता, लेकिन लोग बनाते रहे वीडियो। जी हाँ, ये मामला किसी दूसरे देश का नहीं बल्कि हमारे भारत का है। जो लोग वीडियो बना रहे थे, उन भारतीयों ने ये कमाल करके दिखाया है कि एक कुत्ता एक छोटे से बच्चे के शरीर को नोच नोच कर खा रहा था और लोग वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। कितनी शर्म की बात है, न किसी ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लोग वीडियो बनाते रहे और कुत्ता बच्चे के शव को नोच नोच कर खाता रहा। ये बात अपने आप में ही जो लोग वीडियो बना रहे थे उनके लिए एक शर्मनाक हरकत है। खैर, आइए आपको ये पूरा अपडेट बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जिनके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, वो लोग एक बच्चे के लिए जिंदगी भर तरसते रहते हैं। माँ अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक रखने के बाद जन्म देती है। वहीं कुछ माएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से माँ और उसकी ममता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस बच्चे के शव को कुत्ता खा रहा था उसे लावारिस छोड़ दिया गया था और वो जिसका बच्चा था वो अपने बच्चे को ऐसे ही फेंक कर चले गए थे। आपको बता दें, ये मामला बिहार के समस्तीपुर में देखने को मिला है, जहां सड़क के किनारे एक नवजात के शव को कुत्ता नोच नोच कर खा रहा था। मामला समस्तीपुर नगर थाना इलाके के सर्किट हाउस के निकट का है, जहां एक नवजात के शव को एक कुत्ता नोच नोच कर खा रहा था और वहीं सड़क पर लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे। साथ ही कुछ लोग आ रहे थे और उस चीज को देख देख कर आगे निकल जाते थे, लेकिन वहां से गुजर रहे किसी ने भी कुत्ते को भगाने की कोशिश नहीं की। जिस जगह कुत्ते नवजात के शव को नोच कर खा रहे थे, वहां सड़क के एक तरफ सदर अस्पताल है तो दूसरी तरफ सर्किट हाउस है, लेकिन किसी की भी नजर इस दृश्य पे नहीं पड़ी और घंटों कुत्ता आराम से नवजात के बच्चे के शव को खाता रहा। नवजात के पूरे बदन को नोच नोच कर खा लेने के बाद जब बच्चे का सिर बच गया तो उसे वो अपने मुंह में दबाकर सदर अस्पताल के एक कोने में ले गया। वहां भी दर्जनों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और लोग देखते रहे। हाँ, लेकिन वहां पर कुछ महिलाएं थी जिनकी नाराजगी इस बात पर देखी गई। उन्होंने कहा कि जिस कलयुगी माँ ने इस नवजात के साथ ऐसा काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नवजात के बच्चे को किसने फेंका ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुत्ता नवजात के पूरे शरीर को खा चुका था, इसीलिए बच्चे का लिंग का भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोग का कहना है कि ये लड़की ही हो सकती है, क्योंकि बेटी के होने के डर से उनके परिवार वालों ने ये काम किया है और उसे ऐसे ही कहीं पर भी फेंक दिया। इस घटना से ये तो साबित हो गया कि बिहार में अभी भी बेटियों की हत्या जारी है। वहीं घटना का पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है। इस खबर की चर्चा हो रही है, वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। शायद आपको ये वीडियो जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। जिन लोगों ने इसको फेंका वो भी कैसे लोग थे और जो लोग वहां पर वीडियो खड़े होकर बना रहे थे वो भी बड़े अनोखे ही लोग रहे होंगे। अपने घर के भी दरवाजे पे कुत्ता आ जाता है तो उसे हट हट करके भगा देते हैं, लेकिन वहां पर एक पूरा बच्चा एक कुत्ता खा गया, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक खबर आई है बिहार की तरफ से और एक बड़ा ही दर्दनाक मामला भी है। हम भारतीय हैं, हमें इस नाते इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहा है तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे सारे भारतीयों को पता चले कि हमारे भारत देश में कितने घटिया घटिया लोग रहते हैं। खैर, चलिए अब आपको फटाफट से पेट्रोल डीजल का ताजा भाव बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार काफी दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये गिरावट आगे भी होती रहेगी। अब देखना ये है कि ये गिरावट कहां पर जाके रुकती है। हम तो यही चाहते हैं कि ये गिरावट होती रहे और पेट्रोल डीजल पर पैसे कम होते रहें, और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बाकी सब चीजों पर भी दाम घटने चाहिए। पिछले दिन मंगलवार को भी पेट्रोल के दामों में गिरावट आई है। पिछले दिन पेट्रोल पर 14 पैसे की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76.38 रूपए है। वहीं बात करें डीजल की तो डीजल पर भी 12 पैसे की कटौती की गई है। 12 पैसे की कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 71.27 रूपए है। और बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की तो मुंबई में भी पेट्रोल के दामों में कमी आई है। मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे की कटौती की गई है, जिसके बाद आज मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.90 रूपए है। वहीं मुंबई में डीजल की बात करें तो डीजल पर 13 पैसे की कटौती की गई है। 13 पैसे कटौती के बाद मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 74.66 रूपए है। तो और दोस्तों, बाकी इंडिया के सभी शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव आपकी स्क्रीन पर स्लाइड हो रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों, साथ में ये भी खुशखबरी है कि ये दाम आगे भी घटते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं सोने चांदी के ताजा भाव भी। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में 100 रूपए की कमी आई है। 100 रूपए की
की कमी आने के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 32,000 रुपए हो गई है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी पर भी 200 रुपए की गिरावट देखी गई है। 200 रुपए की कमी आने के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 37,900 रुपए है। तो आइए दोस्तों अब आपको मौसम का ताजा हाल भी फटाफट से बता देते हैं। दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी राज्य में पश्चिमी हवाएं आना अब शुरू हो गई हैं, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी और तापमान में गिरावट होने की संभावना है। साथ ही जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उनके चलते दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के शहरों में प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आएगी। और साथ ही बात करें इन सभी राज्यों में बारिश की, तो इन सभी जगह पर बारिश नहीं होगी, मौसम सूखा ही रहेगा। जहां बारिश देखने को मिलेगी वो है महाराष्ट्र के पश्चिमी शहरों में, खास करके पूरा, नासिक, सांगली, सतारा, रत्नगिरी, महाबलेश्वर और गोवा में। इन सभी जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल मौसम सूखा रहेगा। वहीं दूसरी ओर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, जोधपुर, जैसलमेर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रायपुर सहित मध्य भारत के बाकी शहरों में भी मौसम सूखा होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई, कांचीपुरम, पुद्दुचेरी, नागपट्टनम सहित तमिलनाडु के अधिकांश शहरों में आज दिन भर मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही थिरुवनंतपुरम सहित साउथ केरल में भी अच्छी वर्षा के आसार हैं, जबकि मलप्पुरम, वायनाड, कुन्नूर, कासरगोड, बंगलुरु सहित नॉर्थ केरल और दक्षिणी कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करें पूर्वी भारत की तो यहां पर कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं है। पटना, पूर्णिया सहित बिहार के अधिकतर भागों में तापमान सामान्य रहेगा। तो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से 21 नवंबर 2018 बुधवार का ये ताजा अपडेट है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ये भी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। रोजाना ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।